For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. अगर आप ये सोच रहे थे कि कार्तिक नायरा की मुलाकात के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा रूठना मनाना होगा और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी थी। दरअसल कार्तिक और नायरा के बीच में एक बहुत बड़ा कस्टडी केस आपको देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके थे। हमने आपको बताया था कि कार्तिक और नायरा के मिलने के बाद कायरव को लेकर एक बड़ा कलेश हो सकता है, जिसमें कार्तिक नायरा से बहुत लड़ेगा। वो उससे ये सवाल करेगा कि आखिर मेरा बेटा था तो तुमने उसे मुझसे दूर क्यों रखा, और ये सबसे बड़ा पाप है कि एक बाप को उसके बेटे से इतना दूर रखा जाए, वो भी उसे बिना बताए कि तुम्हारा कोई बेटा है। ये सब कुछ सुनकर नायरा परेशान हो जाएगी और फिर वो कार्तिक को खरा खोटा भी सुनाएगी। वहीं सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये खबर आ रही है कि कार्तिक और नायरा के कस्टडी केस में नायरा के साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा और कार्तिक का पूरा परिवार उसके साथ खड़ा होगा। इस कस्टडी केस को कार्तिक ही फाइल करेगा। कार्तिक कोर्ट के सामने ये बात रखेगा कि उसे अपना बेटा चाहिए, और ऐसे में कार्तिक के सामने बोलने को कोई भी नहीं होगा। ना तो कार्तिक के पापा नायरा की साइड लेने वाले हैं और ना ही घर का कोई और सदस्य। हालांकि स्वर्णा 1% नायरा की साइड में हो सकती है, क्योंकि वो भी एक माँ है। मगर क्या कार्तिक की माँ नायरा की ममता को पहचान पाएगी? क्या नायरा के डर को पहचान पाएगी स्वर्णा? क्या अपनी नायरा का साथ देगी स्वर्णा? ये सारे बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले टाइम में आपको मिल सकता है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू, ताकि कायरा की जिंदगी की हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचे। टॉप न्यूज की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।